I eat balanced food. Sleep in time. That's important. And don't take stress. I don't take stress at all. So that keeps me healthy and happy all the time. थैंक यू सर. सर आपके साथ इंटरव्यू करके मुझे भी बहुत ही हेल्दी हैप्पी एंड पॉजिटिव वाइब्स आ रही है. मुझे भी मैम, मुझे भी. इट इज मेकिंग मी मोर हैप्पी. हेलो, नमस्कार. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शो में, द गुड हेल्थ शो में. और आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में, और उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस कुमार. हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे शो में. थैंक यू सो मच सर. हमेशा इंटरव्यू जो रहता है वो बहुत ही नॉलेजेबल रहता है, बहुत ही अमेजिंग रहता है, और इसीलिए आज हम थायराइड के बारे में आपसे बात करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. सर सबसे पहले अगर बात करें थायराइड के ऊपर, काफ़ी सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन हैं जो हमें बहुत सुनने के लिए आते हैं. तो जो पहला मिथ है वो यही है कि थायराइड जो है वो हेरिडिटरी होता है. सो इज इट राइट और रॉन्ग सर? थायराइड मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी. ओके. एंड सर एक और है कि थायराइड से स्ट्रेस पे बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो थायराइड जो है वो आपका बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है. डेफिनेटली मैम, स्ट्रेस डेफिनेटली अफेक्ट्स थायराइड. ओके सर, एक और हमारे पास मिथ है कि यू कांट एक्सरसाइज इफ यू हैव थायराइड डिसऑर्डर. सो इज इट राइट? यू शुड रादर डेफिनेटली एक्सरसाइज इफ यू हैव अ थायराइड डिसऑर्डर. ओके, एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं. एंड सर थायराइड नोड्यूल्स आर ऑलवेज कैंसरस. नॉट एट ऑल मैम. नो, दे मे और मे नॉट बी कैंसरस. ओके. एंड सर एक और आता है कि इफ यू हैव अ थायराइड डिसऑर्डर यू विल ऑलवेज नीड टू टेक मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. मैम, थायराइड कैन बी ट्रांजिएंट, जैसे कई बार प्रेगनेंसी में होता है, स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है, और इट मे बी परमानेंट. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल टेक मेडिसिंस. ओके. एंड सर एक और जो मिथ बहुत ही बड़ा है वो ये भी है कि थायराइड में सिर्फ वेट गेन होता है. ऐसा नहीं है मैम, इट्स एक्चुअली अ मिथ. थायराइड डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है. ओके, सो अगर थायराइड है तो वेट गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है. सर एक और मिथ ये है कि अगर आप फिजिकली फिट हो और एक्टिव हो तो आपको थायराइड नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल नहीं है. फिटनेस का और थायराइड इम्बैलेंस का कोई भी रिलेशन नहीं है. ओके, तो सर ये थे कुछ मिथ्स जो लोग जानना चाहते थे, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी. सर कुछ क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि थायराइड होता क्या है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं कि किसी को हो गया है. मैम, थायराइड एक ग्लैंड होता है मैम. जी, थायराइड इज अ ग्लैंड. इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द ब्रेन बाय अनदर ग्लैंड व्हिच सेक्रीट्स अ थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ठीक है ना मैम. फिर थायराइड ग्लैंड आगे आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है. ओके. तो ये तो जिसको आप रूटीन में थायराइड बोल देते हैं, थायराइड हो गया. थायराइड नहीं होता है मैम, या तो हाइपोथायराइड होता है पेशेंट या हाइपरथायराइड होता है. थायराइड तो एक ग्लैंड का नाम है. ओके, तो मतलब वो तो सबके अंदर है, बट अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो वो एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं. उसका फंक्शन बढ़ गया या कम हो गया, उस वो प्रॉब्लम है. एंड अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो वेट गेन एंड वेट लॉस, ये दो साइंस एंड सिम्टम्स हैं मेन. मैम बेसिकली ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है. जी. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर हाइपो हो गया तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, और हाइपर हो गया तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा. ओके. एंड सर जैसा कि हमने बात की थी कि स्ट्रेस से थायराइड को अफेक्ट होता है कि नहीं, तो हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं या फिर हमारा जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सब इफेक्ट होता है थायराइड से? डेफिनेटली मैम, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है जी, तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, आपको पसीना आने लगेगा ज़्यादा, आपका वेट लॉस होगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा, आपको मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा होगी, आपको लूज मोशंस लगेंगे, और अगर मतलब ऐसे सिम्टम्स होंगे, और सारे ज़रूरी नहीं कि सारे ही सिम्टम्स, आप पतले होते जाएंगे जी, पर सारे सिम्टम्स होंगे ये ज़रूरी नहीं है. और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो इसका ऑपोजिट होगा, आपको सर्दी लगने लगेगी जी, आपको
वेट गेन होने लगेगा, आपको वाटर रिटेंशन हो जाएगा, जैसे कि बुल बफेलो लाइक टॉर्सो हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है जी, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो सकती है, कम स्कैंटी मेंसेस हो सकते हैं। ओके सर, अगर बात करें कि डायग्नोसिस की, तो थायराइड का कैसे हम डायग्नोसिस करें? एक तो मैम सिम्टम्स ही मैंने बताए, साइंस एंड सिम्टम्स हैं, फिर उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि वो कंफर्मेटरी होती है ब्लड रिपोर्ट। एंड सर, थायराइड सीरियस डिजीज है या फिर इजीली प्रिवेंटेबल है? Thyroid is not at all serious. It is not preventable, but it is not serious. It is serious if you don't treat it. Uncontrolled, कोई भी बीमारी रहेगी तो वो serious होगी। अगर आप उसके लिए normal दवाई लेंगे, time से दवाई लेंगे, एक गोली खानी होती है मैम। अगर आप गोली time से लेंगे तो ठीक रहेंगे। एंड सर, जैसे कि आप गोली की बात कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट्स में मेन दवाई ही होती है, मेन दवाई ही मेडिसिंस। ओके सर, थायराइड प्रॉब्लम जो है वो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी भी इफेक्ट करती है? डेफिनेटली मैम, थायराइड प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। ओके एंड सर, क्या हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइटरी चेंजेस करके थायराइड होने से अपने आप को बचा सकते हैं? मैम डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो, जैसे कि कैबेज ना लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, आयोडीन रिच फूड्स लेना, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं कि हम अपने थायराइड डिसऑर्डर्स को बचा सकें। बिल्कुल सर, इसीलिए टाटा में या किसी भी सॉल्ट में आयोडीन ऐड किया, आयोडाइज सॉल्ट लिया जाता है। ओके सो इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ थायराइड। ओके तो सर, ये थे कुछ क्वेश्चंस, और बहुत ही मुझे लगता है कि सबको पता लग गया होगा कि थायराइड होता क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन थायराइड के ऊपर थे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कभी आपके पास कोई पेशेंट आया है और वो कुछ ऐसा इलाज बताए आपको आके जो उसने इंटरनेट पर देखा हो और आपको लगा हो कि क्या ऐसा भी होता है? मैम ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो इंटरनेट से बहुत सी स्कीम्स लेकर आते हैं, हम तो उसे स्कीम ही बोलते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, सर हमने इंटरनेट पे देखा जी, तो हैंडल ऐसे ही किया जाता है मैम, उनको राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बताया जाता है कि जो चीज़ ठीक होती है वो बताई जाती है। बिल्कुल सर। एंड सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट आपको आया हो और उन्होंने अपना लाइक थायराइड इश्यू जो है उसको आपको ही बताया हो कि हम क्या इसको ऐसे क्योर कर सकते हैं सर, क्या मैं इसको घर के नमक में हल्दी डालकर पीऊंगा अगर पानी में, तो मैं क्या इसको क्योर कर सकता हूँ? ऐसे हुई है आपके साथ? अभी थोड़ी देर पहले अभी आपका वेट लॉस हो गया है मैम, तो आपने ही बोला था कि क्या मैं ऐसे करने से ऐसा कर सकती हूँ, तो ऐसे बहुत होता है मैम। ठीक है सर, ठीक है ना। एंड सर, आप बिकॉज आप बहुत ज़्यादा फिट हैं और फाइन हैं, तो मैं जानना चाहूँगी और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि व्हाट यू डू to make yourself healthy and happy? Mama, first of all, I stay happy. So, and to stay happy, I stay healthy. Yeah. And this is interrelated. I exercise regularly. Okay. I eat balanced food. Yeah. Sleep in time. That's important. And don't take stress. I don't take stress at all. So, that keeps me healthy and happy all the time. Thank you sir. Sir, आपके साथ interview करके मुझे भी बहुत ही healthy, happy and positive vibes आ रही है। मुझे भी ma'am, मुझे भी। That's so it nice. It is making me more happy ma'am. Thank you so much sir. It was a great interview. Thank you so much again for your time. Thank you so much.